हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को लाइक करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और यहाँ पर चढ़ा दिया था मैंने दूध, दूध गर्म हो गया था तो इसमें डाल दिए हैं चावल, क्योंकि मुझे बनानी है खीर। आज नवमी थी, नवमी की खीर बनानी है। जैसे अंधेरी नवमी आती है तो उसमें जहरवीर को गाजी की नवमी धोखी जाती है, तो हमारे धोखता है तो उसकी ही पूजा के लिए बनानी है खीर मुझे। तो पूजा के लिए बनानी है मुझे कढ़ाई। कढ़ाई में बना रही हूँ गुलगुले। गुलगुले के लिए मैंने ले लिया गुड़, आज गुड़ के गुलगुले बनाने हैं तो उसको मैंने पानी डाल दिया है, गुड़ की पेड़ी रख दी है। बार बार खीर ऊपर को आती है तो बार बार इसको चलाना पड़ता है। और कुकर में चढ़ा दिए हैं मैंने आलू। आलू की सूखी सब्जी बनानी है तो आलू बॉईल होने के लिए मैंने रख दिए हैं। तो आज बनाने हैं गुलगुले। गुलगुला बनाने के लिए मैंने ले लिया गुड़, गुड़ के गुलगुले बनाने हैं तो मैंने पेड़ी साबुत रख दी है, इसमें डाल दिया है पानी। थोड़ा सा गर्म पानी कर लूँगी तो पिघल जाएगा उसमें। खीर को बीच बीच में चलाती रहूँ क्योंकि चावल इकट्ठे हो जाते हैं, डाले हैं तो चावल बीच बीच में साथ साथ में और काम करती रहूँगी, इसको भी चलाती रहूँगी। यहाँ पर चढ़ा देती हूँ गुलगुले वाला, जैसे गुड़ लिया था मैंने उसको थोड़ा सा गर्म पानी कर लूँगी तो जल्दी पिघल जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको रख दिया है। खीर बन गई है तो इसमें डाल देती हूँ अब चीनी। चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद इसी मांच पर इसको 5-7 मिनट के लिए और पकने दूँगी, क्योंकि चीनी डाली है तो इसका भी पकाना ज़रूरी है, इसका टेस्ट भी फिर अच्छा लगेगा। और शाम का टाइम है तो शाम के बजे थे 5, तो 5 बजे ही मैं खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उसके साथ साथ में बना रही थी मैं चाय। तो आलू बॉईल हो गए हैं, आलू ठंडे कर लिए थे मैंने निकाल के, अब इनको लेती हूँ छील। आलू छीलने के बाद यहाँ पर साथ में चढ़ा दिया था मैंने छोंक। छोंक गर्म हो गया था, इसमें डाल दिया जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें डाल देती हूँ आलू। आलू का छील के मैंने कट कर लिए थे। इनको जस्ट थोड़ा सा तल लेती हूँ तेल में। अब इसमें डाल देती हूँ मसाला। मसाला में डाल दी है मैंने हल्दी। हल्दी डालने के बाद इसमें डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसमें डाल दिया लाल मिर्ची। लाल मिर्च डालने के बाद डाल दिया धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें डाल दिया गरम मसाला और आमचूर पाउडर और
कस्तूरी मेथी, सभी मसाला डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर देती हूँ इसमें। है कि गुलगुला बनाऊंगी तो उससे साथ में इसके आलू की सूखी सब्जी के साथ पूड़िया सेक दूंगी। बच्चों को पसंद है, कहा कि आप वो बना रहे हो तो साथ में ही हमारे लिए पूड़िया सेक देना, इसलिए आलू की सब्जी बना दो सूखी। तो आज सूखी आलू की सब्जी बना दी है मैंने। तो आलू की सिंपल सी सब्जी बन के हो गई है तैयार। जो गुड़ मैंने गर्म पानी में किया था वो पिघल गया है, और उसको लिया है मैंने छान छान के। यहाँ पर ले लिया है मैंने आटा, इसमें मिला लेती हूँ इस पानी को, और अपने हाथ की सहायता से अच्छे से इसको कर लेती हूँ मिक्स। थोड़ा सा गर्म पानी है तो हाथ को लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल दूँगी तो पतला हो जाएगा। साथ में जितना जितना पानी चाहिएगा उतना डालती रहूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करके और अच्छा सा फेंट के इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी, तो बहुत फूले फूले से गुलगुले बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसलिए आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो इसको अच्छे से फेंट के मैंने आधे घंटे छोड़ दिया है, और उसको अब एक बार थोड़ा सा और चम्मच से फेंट लेती हूँ, क्योंकि फेंटने से ही गुलगुले फूले फूले से बनते हैं। और आधा घंटा हो गया है इसको। थोड़ा सा गुनगुना पानी से मैंने किया है और तेल चढ़ा दिया था मैंने, तेल भी गर्म हो गया है, अब उतार लेती हूँ। छोटे छोटे से करके इसमें डाल देती हूँ। गैस को मैंने फुल कर रखा है थोड़ा सा, क्योंकि सिम कर लेते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं, और फुल पर है ना जल्दी जल्दी थोड़े से पक जाएंगे तो आपस में चिपकेंगे नहीं और अच्छे फूले फूले से बनेंगे। जैसे डालने के बाद थोड़ी देर बाद ही इसको गैस को सिम कर देती हूँ तो फिर अच्छे बनते हैं। तो आधे एक तरफ से पक गए हैं, इनको इधर उधर पलट देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तेल अच्छा सा गर्म हो रहा था, अब इसको सिम करके और उलट पलट के चारों तरफ से अच्छे से पका लेती हूँ। जैसे ज़्यादा तेज़ पर पकेंगे तो अच्छे नहीं पक पाएंगे। और एक बार के पक के तैयार हो गए हैं, इनको लेती हूँ निकाल। ज़्यादा रेड रेड से लग रहे हैं, क्योंकि गुड़ के होते हैं तो वैसे ही होते हैं, चीनी के होते हैं वो साफ साफ सफ़ेद सफ़ेद से दिखते हैं। सारे गुलगुले इसी तरीके से डाल के इसमें पका लेती हूँ। डालते समय मैं इसको गैस को फुल कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि डालते समय गैस को सिम रखते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं, फिर वो बीच से कच्चे रह जाते हैं, तो इसलिए मैं फुल कर लेती हूँ तो चिपकेंगे नहीं। लास्ट के रह गए हैं, एक बार डलेंगे तो ये भी डाल देती हूँ, और ये भी उन्हीं तरीके से
पका लेती हूँ उनको। ये पकाने के बाद मैंने साथ में आटा भी लगा के रख दिया था, तो पूड़ियाँ भी निकाल लूँगी इसके साथ साथ ही, क्योंकि बच्चों को आज सूखी सब्जी के साथ पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने आलू की सूखी सब्जी और पूड़ियाँ भी बनानी हैं। आलू की सब्जी तो बन गई है, खीर भी बन गई है, और गुलगुले भी लास्ट के हैं तो बन जाएंगे। पूड़ियों के लिए मैंने आटा लगा के रख दिया था तो वो भी सेट हो गया है, और तेल गरम है ही। अब पूड़ियाँ भी तल लेती हूँ साथ में। कितनी फूली फूली सी पूड़ियाँ बन गई हैं, क्योंकि आटा लगाते समय मैंने मोइन डाल लिया था, अजवाइन डाल ली थी और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल ली थी, तो उससे पूड़ियाँ और टेस्टी बन जाती हैं। और आटा जैसे लगा के छोड़ देते हैं टाइट टाइट थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, तो उसकी तो पूड़ियाँ फूली फूली बनती ही हैं।